गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अभी हम लोग उठे हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 3 का आज ऑडिशन है। तो होप सो हम लोग सब लोग, सॉरी हम लोग नहीं, आप लोग दुआ करो ये लोग सेलेक्ट हो जाएं। बस और क्या, वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है इन लोग कैसा रिजल्ट देंगे। बट जो भी हमारे साथ आज होगा दिन भर की खिचड़ी जितनी भी होगी, हम सब आपको दिखाएंगे बिना पकाए, कच्ची वाली। देख लो आज इनका चेहरा, इनका चेहरा देख लिया। अब निकलते हैं हम लोग, ज़रा तैयार तैयार होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम रेडी हो चुके हैं इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के ऑडिशन के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं आज का ब्लॉग देखने के लिए कि क्या क्या होता है हमारे साथ? तो बने रहिएगा हमारे साथ। सो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले हम ऑडिशन से पहले हम चाहते हैं कि हम मंदिर जाएं, महाकाल जी के दर्शन करके आएं, उनके चरणों में अपना माथा टेक के आएं और उसे दुआ करें, काश इस बार कोई ना कोई हो जाए सेलेक्ट। तो गाइस, अभी जस्ट ही हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिया, अब निकलते हैं ऑडिशन की तरफ, देखते हैं क्या क्या होता हमारे साथ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, उपमा, इधर भूखे रहना है, उपवास। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं ऑडिशन वेन्यू पर। आप सब देख सकते हैं कि बहुत भीड़ लगी है, सब देख सकते हैं हम ऑडिशन के लाइन में जा रहे हैं। अब बोलो फिर से, रुक। सब देख सकते हैं हमें नंबर मिल चुका है MU2088, ईशा का 2088 है और टीशा का है 2090। ईशा का फॉर्म भरने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेकअप चल रहा है और यहाँ पे अपने ऑटोग्राफ दिए जा रहे हैं। बहुत ही सीरियस मोमेंट है। हाय गाइस, जैसे कि हम ऑडिशन वेन्यू पे आ चुके हैं, फॉर्म भी भर दिया है और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे जो पुराने रियलिटी शोज के कंटेस्टेंट है वो सारे आए हैं, जैसे कि शिवांशु, मुस्कान और एक पुनीत सर की टीम में था डांस प्लस में, जो आग्नि में था वो भी हैं, सर का नाम मेरे को याद नहीं है, बट बहुत सारे मैंने ऐसे कंटेस्टेंट देखे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है, बहुत टफ भी है, बट मेरा फोकस यही है कि हम अपना बेस्ट दें, तो इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि होप सो सब कुछ अच्छा हो। सो देखिए, अब ईशा का नंबर आ गया है, क्या कहना चाहोगे ईशा, कैसा लग रहा है आपका नंबर आने वाला है? अच्छा लग रहा है। पानी पियोगे? रिलैक्स है। सो गाइस, ऑडिशन हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है
ग्रुप में हम लोग तो हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं। चेहरा देख के समझ ही गए होंगे आप लोग कि सेलेक्ट नहीं हुए। यस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक और रिजल्ट देखने की तलाश में हम लोग। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आईबीडी में सारे डांस प्लस के कंटेस्टेंट हैं। यहाँ पर जाने माने जितने भी कंटेस्टेंट आप सबको देख सकते हैं, हर केसरी और बहुत सारे हैं, देखो ना सारे। तो यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो गया। मान लिया, पीछे खड़ी है बाहर हो गए, बाहर हो गए। बुरी मानने कोई बात नहीं। हट। सो गाइस, दोनों बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। बुरा तो लग रहा है पर क्या बताएं, कोई नहीं, चलता है कभी कभी। और मेहनत करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे। होप सो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होगा। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंडिया बेस्ट चांस। तो दोस्तों, अब हम खाना खाने आ चुके हैं। यहाँ पे ऑनलाइन घर पे बातें की जा रही हैं। देखिए ऑनलाइन घर पे कौन है? वो खाने के लिए, ये ईशा की मम्मी है। अब यहाँ पे हम खाना खाएंगे। बैग तो ले लो। सो दोस्तों, अब खाने का वेट कर रहे हैं। एंजॉय करो यार गाइस, एंजॉय करो। अच्छा बुरा क्या, हर चीज को एंजॉय करो। हाँ देखो, ये कुछ भी हो, हर चीज को, हर पल को एंजॉय करोगे तो ही आपको लाइफ में मजा आए। कोई बात नहीं, अभी जब नहीं होता नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन आ रहे हैं। सो गाइस, हाल ही में हमने खाना खाया है और हम सोच रहे हैं कि ट्रेन की टिकट मिलती है कि नहीं। नहीं मिलेगी तो हमको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के लिए हम इधर उधर भटकेंगे। भटकते टाइम हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ नहीं जाते। तो अब सबसे पहले चलते हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से हम जाएंगे अंधेरी, अंधेरी से पता नहीं कहाँ जाना होगा, पर हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं डेढ़ दो घंटे टाइम पास करें। देखते हैं। लोकल में सफर करके पता नहीं कैसी सी लग रही है, मज़ा बहुत आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे सड़े हुए प्राणी भी हैं, बहुत कमाल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखते रहो बस आप। दोस्तों, अलविदा कहना चाहेंगे हम मुंबई को। आप देख सकते हैं सुंदरता, खुशबूदार सुंदरता। अरे ये तो मैंने पिक्चरों में बहुत देखा, पालकी में हो के सवार चली रे। तो दोस्तों, फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग घूमने निकल आए हैं। यहाँ पे देखिए सामने गेटवे ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे भीड़ बहुत है। और ये होटल ताज, आप देख सकते हैं होटल ताज के बाहर है हम, बट हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम रुकें, बट फिर भी एक बार देखते हैं रुक के क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। वाह यार, मज़ा आ गया देख के, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बनाया। देखते हो अब यहाँ पे लोग रील्स कैसे बनाते हैं, स्लो मोशंस वाली। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मरीन ड्राइव में। ओह माय गॉड, ये आप सब देख सकते हैं हमें। गाइस देखो, फास्ट फॉरवर्ड, इधर तो देखो
हाय बोल दो। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बस यही बचा है जीवन में, खाना खाना भाई। लास्ट डे ऑफ मुंबई और आखिरी बार खाना खा रहे हैं, पर चाह रहे हैं। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। देख सकते हैं आप, ये देखा हमारे बच्चे खुश होकर जा रहे हैं, मायूस होकर नहीं आ रहे, कुछ सीख के जा रहे हैं। यहाँ सीख के जा रहे हैं कितना कितना खाना चाहिए हमें खाना। तो गाइस मिलते हैं अब, इसके बाद थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन है। खाना खाने के बाद हम ट्रेन में जाएंगे और बैठ के दो मिनट का टाइम दीजिए, बाय बाय बोलते हैं। मिस यू लॉट गाइस, सबको मिस कर रहा हूँ, जल्दी घर आ रहा हूँ, सबसे मिलूँगा, आपके साथ क्लास जाऊँगा। पेपर अच्छे जा रहे हैं दोस्तों, तो सब लोग आके देखता हूँ कितने अच्छे पेपर गए। बाय, गुड नाइट, सी यू।